हेलो भैलो, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग अगर ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए बात करते हैं पठान मूवी के ट्रेलर के बारे में। अगर इससे पहले आप लोगों ने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर डालो। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आप बात करते हैं पठान मूवी के ट्रेलर के बारे में। भाई इस ट्रेलर को देख के लगता है ये बॉलीवुड का नहीं हॉलीवुड का मूवी। इतना सारा इफेक्ट, इतना सारा एनिमेशन और इतना एक्शन, ये तो ब्लॉकबस्टर होगा भाई। बॉलीवुड के कंपैरिजन में ये मूवी अभी तक का सुपर डुपर हिट मूवी निकलने वाला है, क्योंकि इस मूवी में देखिए ना कितना एनिमेशन, कितना एक्शन है। प्राइवेट टेरर ग्रुप जो किसी मकसद पटाखे भी लाएगा। जैसे शाहरुख खान हो गया, अपने ये जॉन एब्राम हो गए, दीपिका पादुकोण हो गए, ये सब धुरंधर एक्टर हैं। तो जॉन एब्राम अपने लुक्स एंड वो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं। दीपिका पादुकोण भी हॉलीवुड से काम करके आ चुकी है। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। और हमारे जो ये शाहरुख खान है उनका तो क्या कहना है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है इसके लिए क्या कर सकता है। वो तो बोले तो एक्टिंग का गुरु भी कह सकते हैं, किंग खान बोलते हैं, वो रोमांटिक हीरो के नाम से भी जाने जाते हैं। बस इस मूवी का तो भाई रिकॉर्डिंग मतलब जब आएगा ना तब ऑडियंस का क्या होगा, मतलब एक्सप्रेशन वो अभी से ही मैं फील कर रहा हूँ कि मतलब कितना मतलब क्या होगा, मतलब उन लोगों का रिएक्शन जबरदस्त रिएक्शन होगा, क्योंकि ये मूवी का ट्रेलर ही ना भाई इतना जबरदस्त है, इतना दमदार है। अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखना, कितना जबरदस्त है, कितना दमदार ट्रेलर है। रुको जरा, सबर करो। तो चलिए भाई अब इस फिल्म का थोड़ा भीतर का थोड़ा थोड़ा कहानी भी जान लेते हैं। इस मूवी में जो हमारे हीरो है वो शाहरुख खान है, सबको पता ही है। जो हमारे विलन है वो है जॉन एब्राहम, और जो हमारी एक्ट्रेस वो है दीपिका पादुकोण। अब इसमें किसका क्या रोल है? हीरो है जो शाहरुख खान, हीरो जो हमारा शाहरुख खान है वो एक देशभक्त, एक मतलब आर्मी बोलते हैं ना, आर्मी है, एक देशभक्त है, ठीक है। जो हमारा विलन है वो तो विलन का क्या कहना है भाई, विलन तो लुक्स के मामले में और बॉडी बिल्डिंग के मामले में सबको पता है कि कितना जबरदस्त है। उनका जो फिल्म में जो एक कमी रह जाता है ना वो क्या रहता है कि मतलब वो लुक्स के बॉडी के मामले में तो बहुत जबरदस्त है जॉन एब्राहम, बट उनका रह जाता है ना वो एक्टिंग में थोड़ा सा जो कमी रह जाता है ना वो इस मूवी में भाई भर भर के आया है। अपने विलन के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने पूरा इफोर्ट लगा दिया है, पूरा इफोर्ट। आपको विलन का किरदार इतना जबरदस्त लगेगा ना भाई कि वो लगेगा हो ये सब विलन होता है, कि बॉडी के बारे में और लुक्स के बारे में तो खेलने की कोई बात ही नहीं है, बट जो कमी रह जाता था ना कि वो एक्टिंग में वो भी इसमें भाई भर भर के रिपोर्ट लगा चुके हैं। और इस कारण से आपका रिजल्ट भी आया है, वास्तव में रिजल्ट आया है। ट्रेलर देखिएगा उसमें जो उन्होंने मतलब जो आपने रिपोर्ट लगाया वो दिख रहा है। भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना, मतलब ट्रेलर में ही दिख रहा है, तो मूवी में तब जबरदस्त लगेगा ही। और जो हमारा हीरो है शाहरुख खान भाई, वो तो पहले से ही सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं, किंग खान के नाम से, रोमांटिक हीरो के नाम से, है ना। क्योंकि उनका करियर ही मतलब एक्टिंग की वजह से स्टार्टिंग है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है ये बॉलीवुड में, वो अपना पूरा बलबूता पाए हैं, तो उनके एक्टिंग के बारे में तो कुछ भाई कहना ही नहीं पड़ेगा। सबको पता है कि ये शाहरुख खान वाले को एस आर के कहने के बाद ही सभी लड़कियों का दिल धड़कने लगता है, इसलिए उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। और हमारे जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण वो भी स्पाई का रोल कर रहे हैं, अच्छा किरदार निभा रहे हैं। अब उसमें कोई सस्पेंस है कि क्या है, नॉर्मली दूसरा मूवी में क्या होता है कि हीरोइन का किरदार रहता है रोमांटिक रहता है नॉर्मली, ठीक है रोमांटिक मूवी जैसा होता है, बट इसमें दीपिका पादुकोण का किरदार स्पाई का है। अब इसमें कोई सस्पेंस है कि क्या है, अगर सस्पेंस होगा तो 2 मिनट का ट्रेलर में इतना कुछ दिखा दिया है, तो फिल्म में 3 घंटे का होगा कितना चीज होगा,
तो उसमें होगा थोड़ा सस्पेंस होगा, क्या क्या होगा वो तो भाई फिल्म देख के ही पता चलेगा, जो जो बड़ी 25 को रिलीज हो रहा है। तो भाई टेलर अभी तक नहीं देखे हमें, तो एक बार टेलर जरूर देखें। टेलर का रिएक्शन मैंने भी अपने प्रोफाइल में डाला हुआ है, तो उसको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला, देख के और लाइक कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा और उसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है। इस मूवी में आपका पूरा पैसा वसूल मूवी होगा, इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरा पैसा लग गया अब मूवी कैसा होगा, बकवास हो गया तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, कुछ नहीं, आपका फुल टू फुल पैसा वसूल मूवी है। आप एक बार देखिए टेलर, पसंद ना आए तो भाई कहना फिर, पसंद आएगा ही और 25 जनवरी को मूवी तो देखने जाना ही है। अगर अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, अब मेरे भाई कमेंट एंड शेयर कर ही दोगे मुझे पता है, इसीलिए भाई टेक केयर एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।